जय बजरंगबली की दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में धन कमाना नहीं चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में प्रसन्नता नहीं चाहता है? ऐसा कौन है जो प्रभु की भक्ति करता है लेकिन अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना नहीं चाहता है? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली एक ऐसे देवता है जो बहुत ही साधारण से उपाय करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास तरह की मनोकामना को पूरा करने के बारे में उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, जीवन में जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है तो अक्सर व्यक्ति कर्जे के घेरे में फंस जाता है और कर्जा लेकर के अपने जीवन को अंधकार में कर लेता है। दोस्तों, वैसे तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब समय बुरा होता है तब कर्जा इतना बड़ा हो जाता है कि व्यक्ति लाख कोशिशें कर ले, लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन फिर भी कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसे करने से बजरंगबली की कृपा ऐसी होती है कि कर्जों करोड़ों का कर्ज भी जो है बड़े आराम से उतर जाता है। दोस्तों, बजरंगबली को वैसे भी विघ्नहर्ता से भी ज्यादा बड़ा माना गया है, क्योंकि विघ्नहर्ता आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन अगर आप कभी किसी कारण से अपने जीवन में समस्याओं से घिर जाए तो आपको निकालने में बजरंगबली ही हाथ लगाते हैं। दोस्तों, वैसे तो बजरंगबली का पूजन भी विघ्नहर्ता गणेश के बाद ही किया जाता है, क्योंकि गणेश जी को ऐसा वरदान प्राप्त है। इसीलिए जो भी उपाय हम आज बताएंगे आपको, उसमें पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। दोस्तों, हनुमान जी का यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से कहा जाता है कि करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ। किसी भी हनुमान मंदिर में बस आपको ये छोटी सी चीज चढ़ा देनी है। दोस्तों, कहते हैं ये उपाय करने के बाद करोड़ों का कर्ज तो माफ हो ही जाता है, साथ ही साथ व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन से धनवान बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वह उपाय जिसे आप कर करके अपने जीवन से अपने कर्ज रूपी इस महाविनाशक बीमारी को दूर कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में थोड़ा सा आटा लगाना है। आटे के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, नमक की जगह आपको गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद आपको इसके अंदर 3 लौंग डाल देनी है और इससे आपको रोट बना लेना है, या फिर आप इसका चूरमा भी बना सकते हैं। घी मिला करके आप इसका चूरमा बनाएं। उसके बाद अपने घर के नजदीक जहाँ भी आपको हनुमान मंदिर नजर आए, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, बस हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। वहाँ जाकर के आप इस चूरमे का या फिर इस रोट का भोग लगा दें। दोस्तों, भोग लगाने के बाद आप वहीं पर बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आप एक गुप्त चौपाई है, उसका भी आप 7 बार जाप करें। चौपाई है दोस्तों, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वरधीन जानकी माता। इस गुप्त चौपाई का आप 108 बार या फिर 7 बार जाप करें। अगर आप में क्षमता है, आपके पास समय है, तो आप 108 बार करें, अच्छा रहेगा। अन्यथा आप केवल 7 बार इसका जाप करें। उसके बाद आप इस प्रसाद को उठा करके अधिक से अधिक लोगों में इसको बांट दें और थोड़ा सा खुद भी अवश्य ग्रहण कर लें। दोस्तों, अगर आपने इस उपाय को लगातार 11 दिनों तक कर लिया, आप इसको किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, मंगलवार से करें या आज के दिन से शुरू करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन आपको लगातार 11 दिनों तक इस उपाय को करते रहना है। ये उपाय अगर आपने 11 दिन तक कर लिया तो करोड़ों का कर्ज भी माफ हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये उपाय एक सिद्ध उपाय है। सिद्ध उपाय का मतलब होता है दोस्तों कि इस उपाय को पहले भी कई लोग आजमा चुके हैं और इसका फायदा उठा चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, ये केवल हम नहीं, लोगों का अनुभव कहता है कि इसके बाद लोगों का करोड़ों का कर्ज भी माफ हो जाता है। अगर दोस्तों आप इस उपाय को करने में समर्थ नहीं है तो हम आपको एक उपाय और बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने वाला व्यक्ति कर्जे की समस्या से तो मुक्ति पा ही लेता है, साथ ही साथ वह इतना धनवान हो जाता है कि और लोगों को कर्जा देने लगता है। दोस्तों, इस उपाय को आपको सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय में करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें यही समस्या है अगर कहें तो आपके लिए दोस्तों, अब वरना आपको मेहनत और लगन और सच्ची श्रद्धा हो तो ये समस्या कोई समस्या नहीं है दोस्तों। दोस्तों, भगवान के लिए कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों, आपको केवल अपने जीवन में भगवान को अपना लेना है, हनुमान जी को अपने जीवन में उतार लेना है, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, आपने पीपल का तो नाम जरूर सुना होगा, पीपल का वृक्ष भी देखा होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुबह सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय इस पीपल के वृक्ष पर
देवताओं का वास होता है, शनि देव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का भी वास होता है। इसीलिए दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पीपल से उपाय बहुत ही जल्दी फल देता है। लेकिन उपाय आपको करना क्या है और किस प्रकार से करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों आपको इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल की छोटी छोटी 11 पत्तियां तोड़ लेनी है। दोस्तों छोटी छोटी पत्तियां तोड़ने के पीछे कारण यह है क्योंकि जो कच्ची पत्तियां जो होती हैं, छोटी जो पत्तियां होती हैं, वह कटी फटी नहीं होती है, वह मुलायम होती है और सूखी हुई नहीं होती है, इसीलिए आप उन्हें लें। अन्यथा अगर आपको अच्छी पत्तियां मिले जो कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, चाहे वो बड़ी हो, आप वो लें और भी उत्तम रहेगा। दोस्तों अब आपको हनुमान जी पर जो सिंदूर चढ़ाते हैं वो सिंदूर लेकर आना है, उसमें थोड़ा पानी मिला करके आप 10 पत्तियों पर राम नाम लिख दें। दोस्तों राम नाम लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने साफ और स्वच्छ लिखें। और जो 11वीं पत्ती है उसके ऊपर आप अपनी मनोकामना लिख दें। अगर आपकी मनोकामना ज्यादा बड़ी है और आपको लगता है कि उस पत्ती के ऊपर आप नहीं लिख पाएंगे, तो आप किसी भी टेप की मदद से एक कागज उसके ऊपर चिपका दें और उस कागज के ऊपर लाल रंग के पेन से अपनी पूरी मनोकामना लिख दें। उसके बाद दोस्तों उस 11वीं पत्ती को जिस पर आपने अपनी मनोकामना लिखी है, उस पत्ती को मोड़ करके आप 5 पत्ती उसके नीचे जिस पर राम नाम लिखा है और 5 पत्ती उसके ऊपर लगा दें। उसके बाद उसे एक कलावे की सहायता से बांध दें और उसके बाद अपने नजदीकी किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। जाने से पहले दोस्तों आप कोई भी लाल रंग की या फिर भगवे रंग की, जैसे कि बूंदी के लड्डू या जलेबी, इस प्रकार की कोई मिठाई अपने साथ लेकर के जाएं और इन 11 पत्तियों को आप हनुमान जी के चरणों में ही अर्पित कर दें और वहां पर बैठ करके एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। ध्यान रहे दोस्तों इस बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का नहीं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का भी कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण का आपको विशेष रूप से करना ही करना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप वो जो आपने प्रसाद वहाँ पर लगाया है, जो मिठाई का भोग आपने लगाया है, आप उसे लेकर आए, अपने परिवारजनों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ उसे बांटे और खुद भी खाए। दोस्तों अगर आपने ये उपाय केवल 7 दिन कर लिया, आपको ये उपाय हफ्ते में केवल एक ही दिन करना है, इस प्रकार से आपने 7 हफ्ते अगर इस उपाय को कर लिया, तो दोस्तों कहते हैं करोड़ों का कर्ज तो आपका चला ही जाता है, साथ ही साथ आप इतने धनवान बन जाते हैं कि आप और लोगों को कर्जा देने लगते हैं। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे कभी भी कोई समस्या नहीं होती है और उसे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का माहौल बना रहता है। हर एक परिवार का सदस्य सदैव खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। दोस्तों अगर आप ये दोनों उपाय करने में सक्षम नहीं है, तो इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको विशेष रूप से एक तीसरा उपाय भी बताने जा रहे हैं। आप उस उपाय को कर लीजिए तो भी आपके ऊपर से कर्जे मुक्ति की सभी समस्याएं, कर्जे की जितनी भी समस्याएं हैं आपके ऊपर है, कर्जा मुक्ति हो जाएगा और आपकी सभी समस्याओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इस उपाय को भी आपको पत्तों से करना है, लेकिन इस बार आपको पत्ते पीपल के नहीं पान के लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी पूरी विधि भी जान लें। दोस्तों इस उपाय को करना बहुत ही सरल है। कहा जाता है कि इन सभी उपायों में, कर्जा मुक्ति के सभी उपायों में, इस उपाय को बेहद सरल माना गया है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक पान बनवा करके लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी पनवाड़ी के पास जाना है, उन्हें कहना है कि हनुमान जी को चढ़ाने वाला एक पान बनाए। दोस्तों इस पान में आप कोई भी नशीला पदार्थ ना डालें या ना डलवाएं, उसे विशेष रूप से कह दें कि कत्था या जर्दा इसमें ना डालें। आपको केवल एक मीठा पान बनवाना है और उसके अंदर आपको डलवानी है एक लौंग। इस प्रकार से आप उसे 7 पान तैयार करवाएं और 7 पान ले जा करके आप शाम के समय इस उपाय को आप मंगलवार के दिन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा तो फिर आप किसी भी दिन कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर दिन है मंगलवार। दोस्तों आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां जा करके आप अपने हाथ में इन 7 पानों को उठा लें और हनुमान जी को दिखाते हुए कहें कि मेरी जो भी समस्या है, चाहे वो कर्जा मुक्ति की हो, नौकरी पाने की हो, नौकरी में आ रही कोई रुकावट हो, विवाह में आने वाली समस्याएं हो, विवाह के लिए योग ना बन रहा हो, या जो भी आपके जीवन में समस्या है, इसमें केवल कर्जा मुक्ति ही नहीं दोस्तों, आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको जो भी समस्या हो आप कहें कि मैं अपनी सभी समस्याओं को इन पान के रूप में आपको अर्पित कर देता हूँ, अब आप इन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएं। तो ऐसा कहते हुए आप हनुमान जी को इन 7 के साथ पान को चढ़ा दें। उसके बाद हनुमान जी की 7 बार परिक्रमा भी करें और वहाँ बैठ करके एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। दोस्तों ये करने के बाद आप अपने घर आ जाएं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो पान आपने चढ़ाए हैं उनमें से एक भी पान अपने घर वापस लेकर के नहीं आएंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आपने कोई भी पान प्रसाद के रूप में ही सही अगर आप वापस ले आए
तो आपकी ये समस्याएं कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली भी अवश्य लिखें दोस्तों, इससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों इस उपाय करने से आपके घर में खुशियां दौड़ी चली आती है, धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों जिस किसी व्यक्ति ने भी आज तक इस उपाय को किया है उस व्यक्ति का कर्ज तो उतर ही गया है, साथ ही साथ उसके घर में कभी भी धन की कमी देखने को नहीं मिली है। वह संपूर्ण रूप से और उसका परिवार भी पूरे रूप से खुश है, प्रसन्न है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देह में जाते धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते रहें।